Hello students, so today we will see a 7th practical of data structure, which is write a program to implement a stack using linked list. So यहाँ पे हमने आगे के प्रोग्राम में जैसे देखा था वैसे ही struct एक हम डेटा टाइप लेंगे यहाँ पे struct node, जिसमें अंदर इंफॉर्मेशन फील्ड होगी और ये जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, जो स्ट्रक्ट नोड है उसमें हम एक पॉइंटर ले रहे हैं जो नेक्स्ट जो नोड होगा उसको पॉइंट करेगा। अभी हम यहाँ पे पॉइंटर तीन वेरिएबल लेगी, टॉप एक टॉप वन एंड एक टेम्प, ये पॉइंटर वेरिएबल है राइट। सो अभी यहाँ पे इंटीजर काउंट कितना है, अभी जीरो है राइट, स्टार्ट जीरो से। सो मेन फंक्शन में हम क्या रहे, अभी एक नंबर ले रहे कैरेक्टर एंड ई राइट। सो यहां पे अभी क्या होगा, हम क्या करवा रहे हैं स्टैक के अंदर, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, टॉप, एम्प्टी, एग्जिट, डिस्प्ले स्टैक काउंट एंड डिस्ट्रॉय स्टैक। यहां पे हमको क्या करना है, अभी हमको एक आइटम पुश करवानी है, एक आइटम पॉप करवानी है ठीक है। देन टॉप एलिमेंट हमको डिस्प्ले करवाना है, लिस्ट को एम्प्टी करना है। देन एग्जिट डिस्प्ले ऑल एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड स्टैक काउंट, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स है वो। देन डिस्ट्रॉय स्टैक, यानी कि स्टैक हमको डिस्ट्रॉय करना है। सो इसके अंदर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक क्रिएट क्या करेंगे, उसके लिए ये फंक्शन यूज किया है हमने फॉर द क्रिएटिंग स्टैक राइट। सो फर्स्ट विल बी फॉर द कैरेक्टर राइट, एंटर चॉइस क्या करेंगे हम, यहाँ पे चॉइस एंटर करवाएंगे, इसके लिए हमने कैरेक्टर लिया है और ये हमारे केस है यहाँ पे, केस वन फॉर द एंटर डेटा इनटू द स्टैक, केस टू फॉर द पॉप that data from the stack, case 3 which is displays the number of elements of the task stack, then which displays the top element of the stack, then empty for the list, stack empty, then exit display all elements of the stack, then it will return stack count and it will destroy the stack. So pehla hum kya karenge, abhi pehla case kaun sa hai, क्रिएट अ स्टैक राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक स्टैक है उसके अंदर हम एक डेटा एंटर करवाएंगे राइट। सो यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू नल, यानी कि टॉप अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है स्टैक के अंदर, किसी भी नोड के अंदर किसी भी सॉरी पॉइंट को वो अभी पॉइंट कर नहीं कर रहा है। सो इसका मीनिंग है अभी स्टैक इज एम्प्टी राइट। सो टॉप इज इक्वल टू नल, देन यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट करवाएंगे एंटर द डेटा, मीन्स वो किस में हमने लिया है, नंबर पे राइट। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है वहां पे वो एक उस एड्रेस पे नंबर स्टोर होगा। देन पुश नंबर, यानी कि वो जो वैल्यू है वो स्टैक के अंदर एंटर होगा, यानी कि पुश होगी वैल्यू राइट उसके लिए। सो यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर करेंगे, अभी इंटीजर टॉप एलिमेंट, जो टॉप एलिमेंट होगा वो, देन वॉइड पुश इंटीजर डेटा, डेटा टाइप कौन सा होगा इंटीजर राइट, जो डेटा हम एंटर करवाएंगे वो पुश, देन पॉप फॉर वॉइड एम्प्टी, डिस्प्ले डिस्ट्रॉय स्टैक काउंट एंड स्टैक वॉइड क्रिएट फॉर द क्रिएटिंग द स्टैक राइट। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट से राइट, क्रिएटिंग कब होगा उसके अंदर हम एक चॉइस कर एंटर करवाएंगे चॉइस। सो अभी हम केस वन ले रहे हैं राइट। नाउ फॉर द स्टैक काउंट, स्टैक काउंट के लिए क्या होगा, हमको जो भी एलिमेंट टोटल है वो मिलेंगे राइट। सो यहाँ पे
केस इज सेवन इज स्टैक काउंट, राइट। सो वो क्या होगा, क्या प्रिंट करवाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक विच इज काउंट, जो काउंट लेगा वो। नाउ अब हम पहला केस ले रहे हैं पुश, राइट, पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक। सो हम क्या करेंगे अभी, यहां पे एक पुश डेटा पुश करवाना है। सो अब हम चेक करेंगे इफ टॉप इज इक्वल टू नल, राइट। देन अगर टॉप में कोई भी अगर वैल्यू नहीं है देन इट विल टॉप टू द स्ट्रक्ट नोड, यानी कि एक नोड क्रिएट होगा, राइट। और मैलोक फंक्शन हमने आगे देखा था प्रोग्राम में, वो क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोड की साइज हमको रिटर्न करेगा। सो वन इंटू साइज पहले नोड का साइज, यानी कि साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, राइट। सो नाउ टॉप पॉइंट्स टू द PTR pointer which is null, right? So top में अभी top यानी कि top of the stack उसमें information add होगा which is data, right? Else temp is equal to struct node pointer malloc 1 into यहाँ पे क्या आएगा is equal to रहेगा, right। so हम यही इसको कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एडिट एंड पेस्ट। सो यहां पे क्या आएगा अभी, टेम्प, राइट, क्योंकि अभी टेम्पररी वेरिएबल पे वो जाएगा, यानी कि टेम्प पॉइंट्स टू पीटीआर ऑफ द टॉप, टेम्प points to info field of which contains data, so top is equal to temp। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा अभी push करना है हमको, right। so पहले वो देखेगा कि अगर top null है तो क्या होगा, वो size हमको return करेगा कि हाँ इसमें जगह है, आप कर सकते हो element enter। सो तभी क्या होगा, टॉप विल पॉइंट टू नल, यानी कि हमको इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसके अंदर डेटा ऑलरेडी होगा तो अभी टॉप जो टेम्पररी वेरिएबल है, जो डेटा इंफॉर्मेशन में स्टोर हुआ है वहां को पॉइंट करेगा, मिस टॉप ऑफ द एलिमेंट कौन सा हो जाएगा अभी, टेम्प, यानी कि टेम्प अभी किसको पॉइंट करेगा, टॉप एलिमेंट को। नाउ काउंट विल बी इंक्रीमेंट, क्यों, क्योंकि एक इसने जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है, टॉप ऑफ द एलिमेंट विच इज इनटू द स्टैक, सो काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड एट वन। नाउ डिस्प्ले हमको क्या करवाना है, जो भी टॉप ऑफ द एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करवाना है, यानी कि टॉप वन ले लेते हैं अभी हम इसको, जो किसको पॉइंट करेगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट को, राइट। सो इफ टॉप वन इज इक्वल टू टॉप, सॉरी नल, यानी कि अभी टॉप वन किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, दैट मीन्स क्या रिटर्न होगा,
प्रिंट एफ स्टैक इज एम्प्टी एंड रिटर्न. सो जब टॉप एलिमेंट है टॉप वन वो नल है इज नॉट इज इक्वल टू नल, पहले नल का देखा हमने बट इट नॉट इज इक्वल टू नल, देन क्या होगा. सो अभी क्या होगा प्रिंट एफ वो हमको नल नहीं है तो टॉप एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा यानी कि परसेंटेज डी एंड इट विल रिटर्न द टॉप वन जहां पे पॉइंट कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन राइट. यानी कि वो टॉप एलिमेंट जो भी स्टैक में टॉप एलिमेंट है उसको वो रिटर्न करेगा यानी कि टॉप वन इज इक्वल टू टॉप वन पॉइंटर. पीटीआर अभी किसको पॉइंट करेगा जो एलिमेंट हमको रिटर्न हुआ वो राइट. अब वॉइड पॉप यानी कि टॉप एलिमेंट है उसको हमको पॉप करना है. सो टॉप वन इज इक्वल टू टॉप जो भी टॉप एलिमेंट है उसको वो पॉइंट कर रहा है. सो अब हम चेक करेंगे सेम इफ टॉप वन इज इक्वल टू नल राइट. इफ टॉप वन इज इक्वल टू नल देन एरर क्या होगा ट्राइंग टू पॉप फ्रॉम एम्प्टी स्टैक मीन्स स्टैक इज एम्प्टी सो कुछ भी अभी पॉप नहीं होगा उसमें से सो वो रिटर्न हो जाएगा. अदरवाइज क्या होगा अगर टॉप वन है उसने अगर टॉप एलिमेंट को पॉइंट किया है राइट टॉप इज इक्वल टू टॉप विच पॉइंट्स टू पीटीआर देन हमको क्या मिलेगी जो पॉप्ड वैल्यू है वो पॉप्ड वैल्यू इज परसेंटेज डी कहां से टॉप है उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में से जो वैल्यू है वो. सो अब हम क्या करेंगे फ्री द टॉप यानी कि जो टॉप वैल्यू उसको हम फ्री करेंगे यानी कि टॉप हमको क्या मिलेगा अभी टॉप वन एंड काउंट विल बी डिक्रीमेंट. क्यों क्योंकि हमने एक एलिमेंट पॉप कर लिया जो भी इंसर्ट किया था वो एलिमेंट स्टैक में से पॉप कर लिया तो काउंट विल बी डिक्रीमेंट. नाउ टॉप एलिमेंट रिटर्न होना तो क्या होगा रिटर्न टॉप इन्फो ये क्या करेगा टॉप एलिमेंट हमको रिटर्न करेगा सिंबल है ये. नाउ वॉइड एम्प्टी अभी क्या करना है अगर स्टैक एम्प्टी है कि नहीं वो चेक करना है तो हम क्या करेंगे इफ टॉप इज इक्वल टू नल देन प्रिंट एफ स्लैश एन स्टैक इज एम्प्टी. अगर पॉइंट ऑफ किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है दैट मीन्स देर इज नो और एनी वैल्यू इन द स्टैक. अदरवाइज प्रिंट एफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी देर इज समथिंग इन द एलिमेंट्स राइट. So stack is empty with percentage d elements. वो प्रिंट करेगा कि stack is empty और कितने एलिमेंट्स है उसका काउंट देगा राइट. Now
डिस्ट्रॉय द एंटायर स्टैक, जो भी स्टैक हमने क्रिएट किया है वो हमको डिस्ट्रॉय कर देना है, राइट। सो टॉप वन इज इक्वल टू टॉप, अभी टॉप वन है वो किसको पॉइंट कर रहा है, जो भी टॉप एलिमेंट है स्टैक के उसको। सो व्हाइल टॉप वन इज नॉट इज इक्वल टू नल, वो नल नहीं है, तो क्या होगा, टॉप वन किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप को, यानी कि टॉप इज नॉट इज इक्वल टू नल। देन टॉप वन इज इक्वल टू टॉप विच पॉइंट्स टू पीटीआर, पीटीआर कहाँ पे, अभी टॉप पे, राइट, टॉप एलिमेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, अभी जिसको भी हमने अभी पीटीआर में पॉइंट कर रखा है वो स्टैक का एलिमेंट फ्री हो जाएगा, यानी कि टॉप एलिमेंट फ्री हो गया। अब टॉप क्या हो गया, टॉप वन, राइट। सो अभी टॉप वन भी फ्री कर देंगे हम, राइट। सो टॉप वन इज इक्वल टू, सो टॉप इज इक्वल टू नाउ इज इक्वल टू टॉप वन पॉइंट्स टू पीटीआर, क्योंकि टॉप एलिमेंट चला गया, तो अभी क्या होगा, इसको पॉइंट करेगा। अब नाम, अब हम क्या करेंगे, टॉप वन को भी फ्री कर देंगे, क्योंकि हम एक एक करके सारे जो एलिमेंट्स है उस सबको वो हम डिलीट कर रहे हैं। सो अभी क्या हो जाएगा, इफ टॉप पॉइंट्स टू नल, दैट मीन्स सभी जो हमारा है स्टैक वो डिस्ट्रॉय होगा, राइट। सो वी आर प्रिंटिंग हियर ऑल स्टैक एलिमेंट्स डिस्ट्रॉयड, एंड काउंट विल बी जीरो, सभी डिलीट हो गए, इसे काउंट क्या होगा, जीरो। नाउ टॉप, अभी पॉप में तो हमने देखा, अभी टॉप एलिमेंट जो है वो क्या होगा, यहाँ पे हम केसरी में कंडीशन चेक करवाएंगे यहाँ पे, कि अगर टॉप इज इक्वल टू नल देन नो एलिमेंट्स इन द स्टैक, इट विल रिटर्न नो एलिमेंट्स इन द स्टैक, अदरवाइज ई क्या है, वो टॉप एलिमेंट है जो हमने नीचे जिसका हमने फंक्शन लिया वो, सो वो क्या करेगा, रिटर्न टॉप इन्फो, यानी कि टॉप एलिमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन हमको रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट एफ टॉप एलिमेंट, ई का कौन सा, ई क्या लेगा, जो भी टॉप एलिमेंट हमने रिटर्न करवाया वो वाला फंक्शन का वैल्यू, राइट। सो अब हम इसको कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल इट, एरर इज जीरो, नाउ वी आर रनिंग। नाउ एंटर द चॉइस, क्या करना है हमको, पुश करना है, तो हम पुश कर रहे हैं, अभी डेटा कौन सा अभी एंटर करवा रहे हैं, 56, अभी हम चॉइस करवा रहे हैं एंड कोई डेटा पुश करवा रहे हैं विच इज 80। नाउ अभी हमको कोई आइटम जो टॉप एलिमेंट पे है उसको पॉप करवाना है, यानी कि पहला स्टैक के अंदर पहली आइटम कौन सी होगी, 56, फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, 80। सो पहले कौन सा डिलीट होगा, 56, राइट। सो अभी एंटर चॉइस 2, सॉरी पॉप एलिमेंट कौन सा होगा, टॉप एलिमेंट 80, सो 2, सो क्या होगा, पॉप्ड वैल्यू इज 56। सो अभी टॉप एलिमेंट कौन सा रहेगा, 80। अभी हम फिर से एक वैल्यू एंटर करवा रहे हैं, पॉप करवा रहे हैं, सॉरी पुश करवा रहे हैं, 78। अब क्या होगा, एंटर चॉइस, फिर से एक एलिमेंट पुश करवा रहे हैं, 90। अब क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो भी हम